हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज कक्षा 9वीं के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। इस सेशन के लिए यानी कि जो सेशन अब चल रहा है 2023 और 24, जिससे आपको ये पता चलेगा कि फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। हरियाणा बोर्ड आपके सैंपल पेपर हमेशा अक्टूबर नवंबर के मंथ में जारी करता था, लेकिन इस बार हरियाणा बोर्ड ने पहली बार जून मंथ में आपके सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने इस सेशन में यानी कि 2023 और 24 में आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बहुत अधिक बदलाव किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि हरियाणा बोर्ड ने इस साल यानी कि इस बार जो CBSE का पैटर्न है उसको अपना लिया है, जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले सालों से अलग आएंगे, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर इस बार CBSE बोर्ड जैसा आएगा। इस वजह से जो है आपके हरियाणा बोर्ड ने सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं जल्दी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करें और भविष्य में आपको कोई समस्या ना हो। आज मैं आपको इस वीडियो में 9वीं कक्षा का साइंस सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान का सैंपल पेपर दिखाऊंगा, जो हरियाणा बोर्ड ने आज जारी किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैंपल पेपर 2023 और 24 यानी कि इस सेशन के लिए है, क्लास 9th है, कोड ए है, सब्जेक्ट जो है विज्ञान है। जो टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे और 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी सेम इंस्ट्रक्शन आएंगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। सेक्शन ए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट के साथ आपके फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आएंगे। उसके बाद है सेक्शन बी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है पहले। इस बार जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं पिछले साल से ज़्यादा आएंगे। उसके बाद है सेक्शन सी जीव विज्ञान बायोलॉजी, जल्द ही मैं अपने चैनल पर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सोल्ड पेपर सोल्व करके अपलोड करूँगा। तो ये